رحم الله من يقرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهاديين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم الظلم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عظمت آل محمد پر ایک اور اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بارگاہ شہزادہ قاسم ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب میں ہمارا آمد جو ہے وہ قبول ہو انشاءاللہ. بعض بلند صلوات پڑھے گا. خلاق کائنات محبت کے رشتوں کو پیوند کرنے کے لیے اللہ سے وہ محبت کا رشتہ کہ جو عبد اور معبود کے درمیان میں ہونا چاہیے، اس کی علامت، اس کی شرطیں، اس کی کنڈیشن کیا ہیں، وہ ہے پیروی رسول، اطاعت رسول. اور پیغمبر کی صحیح معنی میں، حقیقت میں اگر معرفت دنیا والے کر لیتے تو آج مسلمانوں کے جو جتنے بھی فرقے پائے جاتے ہیں وہ نہ ہوتے. چونکہ رسول کا منشا کیا ہے، رسول کا مفہوم کیا ہے، رسول کیا کہنا چاہتے ہیں، رسول کس سے محبت کرتے ہیں، رسول کس سے نفرت کرتے ہیں، رسول کس کے فضائل بیان کر رہے ہیں، رسول کس کا ذکر پسند کرتے ہیں، یہ سب سیرت رسول کا مطالعہ کرنا چاہیے. پیغمبر نے اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں ایک گوشہ وہ ہے کہ جو ہجرت سے پہلے، ایک زندگی کا گوشہ وہ ہے جو ہجرت کے بعد ہے. ایک اسی طرح سے آپ تاریخ اسلام کو اگر تقسیم بندی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں تو سیرت رسول کے ذریعے
अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा कि अजमत आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या है। मगर हुआ ये कि मुसलमानों ने कोशिश की है इस्लाम लेने की तारीख से या ऐसे अफराद से कि जो किसी ना किसी वजह से मसलहतन कलमा उन्होंने पढ़ लिया और उसकी वजह से जो खराबियां आई हैं वो आपके सामने नुमाया है। आज पूरी दुनिया में हम शिकार हैं इसका। मैं कोई भी तकरीर अपने पूरी जिम्मेदारी के साथ ऐसे अल्फाज में नहीं पढ़ता कि जिसकी वजह से कोई नाजायज फायदा उठा ले, लेकिन पूरी बात कहने की कोशिश करता हूँ साहिबान अक्ल व फहम के लिए, चूंकि मैं जानता हूँ फर्श अज़ा पे बैठने वाला आज़ादार जो है उसको अहले बैत ताहरीन जो गिफ्ट देते हैं इल्म का और फहम का जो खजाना है उसमें तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। और ओपनली ऐसे अफराद के नाम लेना मैं मिंबर से पसंद भी नहीं करता कि जिनके बाप का यही नहीं मालूम है कि शजरा क्या था। तो जाहिर है इसलिए बेहतरीन तरीका यह है कि कुरान मजीद की आयात रवायात फजाइल आले मोहम्मद पढ़े जाएं, बस ये काफी है। चूंकि अगर ये मारिफत करा दी जाए दुनिया को, इसलिए छठे इमाम इमाम जाफर सादिक कि अगर हमारी हिकमतें हमारी हदीसें हमारी सुन्नतें हमारी सीरत हमारे फजाइल हमारे उमूर हमारे अवामिर अगर दुनिया वालों के सामने फैला दिए जाएं पहचानवा दिया जाए तो वो लोग हमें फॉलो करने लगेंगे। और इसकी आपको अच्छी तरह से मालूमात जो है वो हो जाती है कि जब हम अपनी ज़िंदगी में मुतालिया करते हैं कि जिसको भी ज़र्रा बराबर मारिफत हो गई और पता चल गया कि ये सिलसिला है हकीकत में। इसलिए कि हमने इस्लाम कोई ऐसे नहीं लिया कि हम अशुमा से कि जनाब वो वहाँ से तशरीफ़ लाए थे और रिश मुबारक दराज थी और जनाब तस्बीह हाथ में थी और मुकद्दस लिबास था। हमारे यहाँ ये मेयार नहीं है। मेयार जो है वो हमारे यहाँ ये है कि अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ नुमाइंदा है या नहीं। हमारे यहाँ मेयार इस्मत कुबरा है, हमारे यहाँ मेयार विलायत है, हमारे यहाँ मेयार मवद्दत का रिश्ता है, हमारे यहाँ मेयार अहलुल किसा है, हमारे यहाँ मेयार फातिहान मुबाहला है, हमारे यहाँ मेयार हर एक सकाफत के एतबार से, चाहे वो खैबर का सिलसिला हो तो फातह खैबर मेयार है, खंदक का सिलसिला हो तो फातह खंदक मेयार है, सिफीन का मसला हो तो फातह सिफीन मेयार है, फतेह मक्का का मसला हो तो वो भी फातह मेयार है। अब जिसका मजहब और तकद्दस जहां हर जगह के ऊपर फातह 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 हो तो वो कौम कहीं पीछे रह सकती है। सलवात तो पढ़ते मोहम्मद आले मोहम्मद का। अब रहा सवाल ये कि जनाब बड़े मुख्तसर हैं, बहुत कम तादाद है, तो ये तारीख है और कुरान मजीद है, इसके लिए तो हम इनकार कर ही नहीं सकते कि एक तरफ जो है वो अकेले जनाब मूसा थे और चंद अफराद थे और बाकी तादाद फिरौन की तरफ थी, जनाब इब्राहिम चंद अफराद के साथ तन्हा थे और नमरूद के साथ यलगार थी, इसके अलावा जनाब नूह अब्दुल गफ्फार 2500 साल मुसलसल तबलीग करते रहे मगर जिन्हें आना नहीं था वो नहीं आए, जिन्हें बदलना नहीं था वो नहीं बदले, नसब की जिनके यहाँ पाकिजगी थी नहीं, जनाब नूह कहते कहते थक गए और आलम ये हुआ कि अल्लाह से शिकवा किया। ये बड़ी बात कह रहा हूं मैं आज, कसम खुदा की तबहीदी मंजिल में है, लीजिए बात आ गई तो सुन लीजिए। जनाब नूह अलैहिस्सलाम रोज आना बेचारे उनका काम ही है, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलहु, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो फला पा जाओगे, और इधर ये कलमा शुरू किया और उधर से पत्थर आने शुरू हो गए। कैसा मुबल्लिग इस्लाम है मुलाहिज़ा करें आप, मुबल्लिग इस्लाम है, मुबल्लिग तौहीद है, मुबल्लिग वहदानियत है, और उसके ऊपर चारों तरफ से पत्थरों की बारिश होती है
और इतने पत्थर कि जिसमें मुबारक पत्थरों से ढक जाया करता था। हौसला करें, आप ये देखें कि हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम फिक्हे अहले बैत को, हम मजहब अहले बैत का कितना प्रचार कर रहे हैं, हम कितनी तबलीग कर रहे हैं आजादारी की, हम लोगों को कितना रगबत दिलाते हैं, सुन्नत अंबिया क्या है ये देखिए आप जरा सा, इसमें कितनी जहमतें उठानी पड़ती हैं। जनाब नूह अलैहिस्सलाम इतने पत्थर खा रहे हैं कि जिसमें मुबारक पत्थरों से छुप जाया करता था, जख्मों से चूर, और जब वो लोग बाकायदा करीब आके टच करके बदन को ये देखते थे कि जिंदा है या चले गए, तो जब उन्हें यकीन हो जाया करता था कि रुखसत हो गए, तब छोड़ के जाते थे कि छुट्टी हो गई, अगले दिन से कोई आवाज नहीं आएगी, हमें परेशान करने का नहीं कोई, आराम से सोएंगे हम, चले गए। अगला दिन फिर हुआ और फिर देखा जनाब नूह अलैहिस्सलाम फिर अपना तबलीग में मसरूफ है, ऐसे कैसे। अच्छा अब ये मौजजा हुआ कैसे, मुस्तकिल रोजाना सिलसिला होता था। तो अब रिवायतें बैनल फरीकैन, तवज्जो, आजादारी का लुत्फ आएगा, किसको हम मानते हैं, क्यों मानते हैं। जनाब नूह अलैहिस्सलाम रोजाना ये काम कर रहे हैं, रोजाना लोग मार के चले जाते हैं, हकीकत में मर जाते हैं, और सुबह को फिर जिंदा जावेद हो जाते हैं। होता क्या है, अब रिवायतें बताती हैं जो अहले सुन्नत के उलमा, अहले तशय्यो के उलमा जो सब लिखते हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह सुबहाना व तआला ने, चूंकि जनाब नूह अलैहिस्सलाम को उसने भेजा है, उसकी जिम्मेदारी है हिफाजत करना, वो अपने फरिश्तों को भेज दिया करता था, फरिश्ते आते थे पत्थर हटाते थे, अपने परों से जख्म हाय जनाब नूह अलैहिस्सलाम को मस करते थे, और उस जिस्म पे जहां जहां जख्म थे, जैसे ही पर लगते थे मस होते थे, वो जख्म सही हो जाते थे, और सुबह को सही हो सालिम खड़े होकर फिर तबलीग इस्लाम शुरू कर दिया करते थे, फिर तबलीग तौहीद शुरू कर दिया करते थे। तो आपने यहां तक तस्लीम कर लिया कि जनाब नूह अलैहिस्सलाम जब जख्मों से चूर हो जाते थे और ये आलम होता था, तो फरिश्ते आते थे और अपने परों से मस करते थे और नबी को शिफा हो जाती थी, जुमला याद रहे, इसे महफूज कर लें, नस्लों में काम आएगा, हम कयामत तक काम आएगा, जिंदा रहे वो कौमें जो कम से कम इतना तो मानने को तैयार है कि नबी वो है जो फरिश्तों के पर अगर मस हो जाएं तो उसको शिफा मिलती है। हम उस हुसैन की आजादारी मनाते हैं कि जब वो हुसैन गहवारे में था और फितरुस बरसों से अजाब इलाही में मुब्तला था और कोई हल नहीं निकला, और उसने देखा कि फौज दर फौज चले जा रहे हैं, वादी से गुजर हुआ, तड़प के पूछता है कयामत आ गई, फरिश्तों ने कहा नहीं कयामत तो नहीं आएगा, फिर क्या बात है, सारे के सारे चले जा रहे हैं जमीन पे, क्यों? कहा इसलिए कि हुजूर अकरम के यहां उनका फर्जंद हुआ है, पैदा हुआ है, उसकी तहनियत और मुबारकबाद के लिए अल्लाह का हुक्म है, वहां जा रहे हैं जमीन पर। तो फितर उसने मचल कर कहा मैं तुमसे तुम्हें वास्ता देता हूं उसी मौलूद का, मुझे लेकर चलो, यानी पहली मंजिल में वास्ता दे दिया, फरिश्ते सबके सब रुक गए क्योंकि वास्ता इतना बड़ा था, तवज्जो फरमा रहे, सबके सब रुक गए, लाद लिया, ले आए नबी के दरवाजे पर लाके छोड़ दिया, और अब क्या किया, नबी से कहा कि या नबी अल्लाह भिखारी आया हूं, फकीर आया हूं, साहिल बन के आया हूं आपके दरवाजे पर, और इतना अरसा हो चुका है, किसी तरह से मुझे शिफा नहीं मिली, इसका हल कर दीजिए। पैगंबर ने क्या किया, चाहते तो इशारा करते, बालों पर मिल जाते, इशारा करते मौजजा हो जाता, इसलिए कि खुद मौजिज नुमा है, आलिमुल गैब है, खातिमुन नबीयीन, साहिब कुरान, साहिब मेराज है, शफीए महशर है, सारे खिताबात हैं अल्लाह की तरफ से, ठीक है, फख्र कायनात है, मगर कोई ना एजाजी कैफियत, वैसे खुद ने कुछ नहीं की, ना दुआ पढ़ी, ना हाथ बुलंद किए, एक इशारा किया, कहा ये गहवारे में जो बच्चा झूल रहा है इस गहवारे से अपने जिस्म को मस कर ले, ये नहीं कहा कि बच्चे से मस कर ले, मैं कुछ कह रहा हूं, महदूदियत रख दी, ये नहीं कहा बच्चे से मस कर ले, गहवारा काहे का होगा वो आप सोच सकते हैं, अमूमन लकड़ी का बनाया जाता है, ठीक है, तो अगर तारीखी एतबार से मान भी लिया जाए लकड़ी का सही, किसी और चीज का सही, जो भी जिन्स आप मान ले तस्लीम कर ले, बहरहाल खुद जिसमें मुबारक अब अब्दुल्लाह हुसैन नहीं था,
बल्कि वो झूला और गहवारा था जिससे उस फरिश्ते ने अपने जिस्म को मस किया और शिफा मिल गई, बालों पर मिल गए। तो इतना तो पता चल गया, कानून बन गया कि अगर नबी जख्मी हो तो फरिश्ते से शिफा मिलती है और खुद फरिश्ता जख्मी हो जाए तो खुद जिस्मे हुसैन से नहीं गहवारे से शिफा मिलती है। तो अब हमसे न पूछो ये चूमते क्यों हो, सजदा क्यों करते हो, और जो करें आलम को क्यों बोसे देते हो, गहवारे को क्यों बोसे देते हो, ये झूले को क्यों चूमते हो, ये पटके को क्यों चूमते हो। इस्लाम असल निस्बत का नाम है। मैंने कहा था कल कि हदीस की तीन किस्में हैं, एक है कौल मासूम, एक है फेल मासूम, एक है तकरीर मासूम। अब खुद पैगंबर ने कौल फरमाया गहवारे से मस कर ले, गहवारे से मस करने से शिफा मिली, इसका मतलब सुन्नत रसूल हो गया। तो अब फिक्हे जाफरी का कोई भी बंदा शिया जब कोई चीज को चूमता है निस्बत के एतबार से वो सुन्नत रसूल पे अमल कर रहा है। जो से इशारे किए जा रहे हैं कि थोड़ा सा मजमे को ये कहें कि उदनो मिन्नी उदनो मिन्नी। माशाल्लाह देखिए देखिए कितने समझदार लोग हैं, मैंने उर्दू में कुछ भी नहीं कहा है। जब मोहब्बत होती है तो करीब बुलाया जाता है ना, जब ज्यादा मोहब्बत बढ़ जाती है तो दावत दी जाती है उदनो मिन्नी और आजा करीब और करीब आजा, और फिर होते दना फतदल्ला करीब आया और करीब आ गया। काबा कौसैन और अदना दो कमानों का फासला या इससे भी कम रह गया। इंशाल्लाह किसी मौके पर अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में। तो सिलसिला यह है कि शिफा का ताल्लुक इन चीजों से है और ये बाबरकत चीजें वो हैं कि कसम खुदा की जिनको मारिफत हो गई, जिन्होंने तवस्सुल इख्तियार कर लिया, वही लोग कामयाब हैं, वही लोग जिंदा जावेद हैं। वरना ये बताइए आप इंसाफ से, पूरी दुनिया से इतना पैसा खर्च करके मक्का शरीफ जाते हैं खाने काबा का तवाफ करने के लिए, किस लिए जाते हैं, क्या कहते हैं? अच्छा आप बताइए, जब सब एहराम बांध लेते हैं, दो पटके दो तौलिए एक ऊपर और एक नीचे तहमत की तरह है, अजीब बात है, जिसने कहीं पर जिंदगी में तहमत ना बांधा हो वहां जाके बांध रहा है अल्लाह के घर जाने के लिए। अच्छा अरफात में आपने देखा होगा क्या आलम है लोगों का, खैर माशाल्लाह से कुछ हजरात तो होंगे ना इसमें, माशाल्लाह से हाजी हजरात हैं ना कुछ हैं, माशाल्लाह जरा सलवात पढ़े बाबा से बुलंद। ये एहराम बांधते क्या जुमला कहते हैं, तलबिया बोलते हैं उसे, और तलबिया का जुमला क्या होता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जज़ाकअल्लाह। सिर्फ एक जवाब दे दें मुझे आप, हर आदमी चिल्ला चिल्ला कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह हाँ हाँ मैं आ गया, मैं आ गया, लब्बैक मैं आ गया, यही होता है ना, ए अल्लाह मैं आ गया, जैसे इसी को बुलाया है अल्लाह ने डायरेक्टली फरिश्ता भेजा था इसके यहाँ कि सरकार आप चले आइए, अपना काम छोड़ दीजिए, बिजनेस छोड़ दीजिए, छुट्टी ले लीजिए, बीवी बच्चों को छोड़ दीजिए, चले आइए। और ये चलाना तड़पता हुआ है तहमत बांधे हुए ऊपर से तौलिया डाले लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक, बोलने को तैयार नहीं किसी से, चीख रहा है बकायदा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अच्छा कोई आवाज आती है इसके बदले में, कोई आवाज आती है, ये चिल्ला रहा है मुस्तकिल है, तवाफ में सही में मरवा में इधर से उधर चारों तरफ चिल्ला रहा है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, कोई आवाज आती है? अच्छा किसने कहा इसको लब्बैक कहो, बड़ी तवज्जो कीजिएगा इंशाल्लाह, किसने कहा है कि तू लब्बैक लब्बैक चिल्ला? कहने लगे इस्लाम में हुक्म है एहराम बांधते जरूरी है, मुहर्रम होने के लिए सबसे पहली कंडीशन है, पहली शर्त है, क्यों? इसलिए कि अल्लाह से कुर्बत इख्तियार करना है। मैंने कहा कौन सी कुर्बत? कुर्बत की दो किस्में हैं, बहुत तवज्जो, करीब जानते हैं ना, आसान लफ्जों में पढ़ो, करीब कुर्बत
ठीक है। कुर्बत की दो किस्में हैं, एक है कुर्बत जमानी और एक है कुर्बत मकानी। मकान यानी मकान के एतबार से आपका कोई नेबर्स है, एक दीवार का फासला है तो क्या कुर्ब मकानी है, ठीक है। एक है कुर्ब जमानी कि साहब हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी में हम साथ पढ़ते थे, ठीक है ना, वो जमाना याद हो तो कुर्ब जमानी होता है। अल्लाह से आप करीब होने के लिए जा रहे हैं, कौन सा कुर्ब है, कुर्ब जमानी है या कुर्ब मकानी है? माशाल्लाह देखिए, मैंने कहा ना इल्मे कलाम भी पढ़ रहा हूं तो आप माशाल्लाह से हर आदमी समझ रहा है। ये है फर्श अज़ा की दौलत सबसे बड़ी, इल्मे कलाम पढ़ो, फलसफा पढ़ो, मंतिक पढ़ो, इल्मे नहव पढ़ो, तफसीर पढ़ो, हमारा मजमा समझ जाता है नहीं? ये है जिंदा एजाज है। खूब, अब आप बताइए आपकी हर अदा और हर नमाज की सबसे बड़ी नीयत जो होती है उसमें नीयत क्या होती है? नमाज फज्र पढ़ता हूं दो रकत वाजिब कुर्बत इलल्लाह, अल्लाह से करीब होने के लिए। अच्छा, रोजा रखता हूं कुर्बतन इलल्लाह, ठीक है ना, इलल्लाह नहीं इलल्लाह, ठीक है, अल्लाह से करीब होने के लिए। हज कुर्बतन इलल्लाह, ये भी अल्लाह से कुर्बत के लिए। इताते वालदेन कर रहे हैं किस लिए? कुर्बतन इलल्लाह, ठीक है ना, बुजुर्गों को रिस्पेक्ट दे रहे किस लिए? कुर्बतन इलल्लाह, सब अल्लाह से करीब होने के लिए। अल्लाह है कहां? जा रहे हैं वहां, कहां? काबा शरीफ, एहराम बांधकर वहां भी कह रहे हैं अल्लाहुम्मा लब्बैक कुर्बतन इलल्लाह। मेरे भाई अल्लाह बैठा है वहां, ये इतना सारा पैसा खर्च करके आ रहे हो, अल्लाह बैठा है उस घर में, किस लिए जाते हो? आएगा कभी? नहीं। इससे पहले कभी आया? नहीं। नाम क्या है इसका? बैतुल्लाह। बैत कहते किसे? बड़ी तवज्जो करें आप, बैत किसे कहते हैं? कहते घर को। घर और है, मकान और है, जिनके पास घर है वो समझते होंगे। ये तो उर्दू की बड़ी नजाकती इस्तलाहें हैं, है ना। मकान और है, घर और है। मकान बनाना आसान है, घर बनाना मुश्किल है। सलवात तो पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अच्छा चलिए ये बहस हम छोड़ते, चुके अरबी में बहुत सारे अल्फाज किए हैं, दार भी लफ्ज आया है, दार, दार के मतलब भी घर है। काशाना, काशाना का मतलब भी घर है। मंजिल, मंजिल का मतलब भी घर है। इतने सारे अल्फाज आते हैं और हर लफ्ज के मानी अलग हैं, तो अब किस माना में काबे को मुराद लेते हैं आप? काबे को किस माना मुराद लेते हैं? मंजिल, बैत, दार, मकान, घर, कौन सा मुराद लेते हैं? तो आप सब कहेंगे साहब वही अल्फाज हम कह सकते हैं जो अल्लाह ने कुरान में कहा है, इन्ना अव्वल बैतिन, तो अल्लाह ने बैत कहा है। अच्छा, बैत किसे कहते हैं साहब? आइए डिक्शनरी खोलिए, बैत किसे कहते हैं? तो अब जितने भी उलमा हैं, जितने भी फिरके हैं, वो एक जुमला फरमाते हैं, जरा सलवात पढ़े बाबा से अलग। जरा सा भी समझता हूँ ये तो हीटिंग हो रही है ज्यादा, या ये कि चूंकि मैं भी देख रहा हूँ कि मजमा भी बेकली के आलम में है, जरा सा आसानी से सुनवाएं मजलिस को। एक बाबा से बोलन सलवात पढ़े मोहम्मद आलम। सलवात बाबा से बुलंद पढ़ते हैं जरा सा, नारे हैदरी। एक जुमला में अर्ज कर दूं, बैत किसे कहते हैं जनाब? तो आइए लुगत का सहारा लें, क्योंकि हर लफ्ज को तलाश करने के लिए लुगत की जरूरत पड़ती है, या लुगवी माना या इस्तलाही माना, दो ही लफ्ज होते हैं। याद होगी आपको मेरी से सब कि सलात की मीनिंग लुगत में दुआ है, इस्तलाह में अरकान मखसूसा है, ठीक है, यहां तक मुतवज्जे। बैत लुगत में किसे कहते हैं जिसे तस्लीम किया जाए? तो सारी लुगतों में बैत का मतलब है कि जिसमें बैतूता किया जाए, बैत उसे कहते हैं जिसमें बैतूता किया जाए। मौलाना ये तो गाढ़ा हो गया मसला, और कोई फायदा नहीं हुआ तर्जुमा करने का, लुगत का, डिक्शनरी का, इससे बेहतर तो पहले ही समझा रहे थे आप, ठीक है। बैतूता, चेहरे पढ़ रहा हूं मैं, समझ रहा हूं मैं कि समझ में नहीं आ रही है बात, चलिए वजाहत कर रहा हूं। बैत यानी जिसमें मालिक बैत रात गुजारे, कसम खुदा की, मुतवज्जे हूं जरा सा, फिक्रों को बुलंद करें। बैत,
जज़ाकल्ला। बैत उसे कहते हैं जिसे घर है ना, वो घर घर बैत के उसमें मालिक रात गुजारे, शब पाशी करे। जब रात गुजार लेगा तो घर हो जाएगा, बैत हो जाएगा, और जब तक रात नहीं गुजारेगा बैत नहीं होगा। उस वक्त तक बैत को बैत नहीं कहा जाता जब तक के मालिक, उस घर का मालिक, उसके अंदर रात ना गुजारे। अब इसका मालिक कौन है? अल्लाह। निस्बत किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ। बनवाया किसने? अल्लाह ने। किससे बनवाया? खलीलुल्लाह से और ज़बीहुल्लाह से। बाप भी नबी, बेटा भी नबी। बाप भी मासूम, बेटा भी मासूम। बाप पत्थर पे खड़ा हुआ, पत्थर में मौजजा शुरू हो गया। जब बुलंद होना चाहते हैं पत्थर बुलंद हो जाता है, जब नीचे उठना चाहते हैं, बेटे से ईंट गारा पकड़ना चाहते हैं तो पत्थर नीचे चला जाता है। यानी ये सब कुछ समझ में आता है कि पत्थर सिफत इख्तियार कर ले। कुछ कह रहा हूं क्यों? इसलिए कि नबी की सोहबत में था तो पता चला। सहाबी उसे कहते हैं जो मंशाए नबूवत पर चले। सलावत तो पढ़ दो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो बैत उसे कहते हैं, बैत की निस्बत हुई अल्लाह की तरफ। उसने कहा इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िया लिन्नासे लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदा लिलआलमीन। सबसे पहला घर बनाया, किसका बना घर? अल्लाह का। घर उस वक्त तक बनता नहीं जब तक मालिक रात ना गुजारे। अब सवाल यह है कि यह मालिक ऐसा है जो आता नहीं कहीं, अगर आ जाए तो अल्लाह नहीं रहता। क्या कह रहा हूं? अगर आप फिक्र करें, उसके लिए सोचें और मारफत इख्तियार करना चाहें, अल्लाह कैसा है, अल्लाह कैसा है, मारफत तस हजारा तस्बीह शुरू कर दी, पहाड़ की चोटी पे जाके बैठना शुरू कर दिया, बीवी बच्चों को छोड़ दिया अल्लाह की मारफत करने के, जिस दिन आ जाए आपके जहन में, वो अल्लाह नहीं होगा, आपका बनाया हुआ होगा। इसलिए कि जो आपके जहन में आ जाए वो महदूद होगा, वो है लामहदूद। तवज्जो। तो जमानी भी नहीं आ सकता, इसलिए कि जमान है महदूद, वो है लामहदूद। मकान में नहीं आ सकता, इसलिए कि वो है लामहदूद। मकान ये बैत ये घर है महदूद, ठीक है। चकोर घर का नाम, एक परनाला लगा हुआ, परनाला रहमत, मीजाब रहमत, इसे घर कहा जाता है, बैत कहा जाता है। जो अल्लाह का घर है, जो काबा कहलाता है, जो मुसलमानों का किबला कहलाता है, उसकी मजबूरी यह है कि वो आ नहीं सकता। अल्लाह जब तू आ नहीं सकता तो बनवा क्यों रहा है? नाम रख रहा है बैत, और बैत कहते उसे हैं कि जब तक मालिक रात ना गुजारे उसे घर नहीं कहते। का इसका मसला मेरे ऊपर छोड़ दो। अबू तालिब से अब मामला तय हुआ। तवज्जो। अब मामला तय हुआ। लोग कहते कैसी बात है जनाब, अबू तालिब घर में थे, बेगम बाहर थी, उनको पता ही नहीं था। अरे पता नहीं था, पता था, इसीलिए तीन दिन के बाद आए अबू तालिब। तवज्जो करें। अब फातिमा बिनत असद जब काबे में चली गई और तीन शबाना रोज रही और 15 रजबुल मुरज्जब आई और अल्लाह की तरफ से पैगाम आया, जनाबे फातिमा बिनत असद ने जुमला कहा, परवरदिगार मैंने तेरा बैत बना दिया। तो मैंने तेरा बैत, तेरा घर बना दिया, अब इसे बैत कहा जाएगा। अब ये मसला मेरा है, मैंने तेरे घर को बैत बना दिया। कभी भी ये तेरा एहसान है, और हम एहसान रखते नहीं, एहसान का बदला एहसान है। वही तो अब तूने मेरे घर को बैत बना दिया, तो अब तेरे बेटे को मालिक बैत, अहले बैत, वली, अम्र, ये सब बनाना मेरा काम है। तो करेंगे। और यही वो मंजिल थी कि जिसके लिए अल्लाह सुबहाने व तआला ने मैदान गदीर में अल्लाह ने अपने हबीब को हुक्म दिया, और ये हुक्म इतना अजीज था अल्लाह को, फमा बल्लगता रिसालता, अगर ये पैगाम ना पहुंचाया तो गोया कुछ नहीं पहुंचाया।
सुन्नत नबवी हो गई। क्या किया था नबी ने? नबी ने क्या किया था? फजाइल पढ़े थे ना, कितने घंटे? बड़े खामोश हैं आप। कितने घंटे फजाइल पढ़े थे मैदान गदीर में? जजाक अल्लाह। अब आप ये बताइए कि सुनने वाले कौन थे? सब सहाबी है ना, हज करके आ रहे थे, सबके सर मुंडे हुए थे, कुर्बानियां दे के आ रहे थे, गर्मी तपिश, पैगंबर मिंबर पे, ठीक है ना, और वो अली के फजाइल पढ़ रहे थे। सुनने वाले कौन? सहाबा। इसका मतलब ये हो गया, कानून बना लिया जाए कि मिंबर पर फजाइल पढ़ना नबी की सुन्नत है और नीचे बैठकर सुनना सहाबा की सुन्नत है। अब जो मिंबर पर आए और अली के फजाइल ना पढ़े, या तो मिंबर नहीं है या मिंबर पर बैठने के लायक नहीं है। समझता हूं कि दो मिनट में आपको देता हूं, अराकीन को, कमेटी वाले हजरात को, वरना ये मुझे शिकवा करेंगे फिर कि मौलाना को बुलाया था कीनिया से। बिस्मिल्लाह, बराए खुशनूदी है चांद मज़मून बावद बलंद खवातीन में भी मेरी माएँ बहनें जल्द से जल्द अपने इस ज़रूरी काम को अंजाम दें और सबको सवाब जारिया में शरीक करें। परवरदिगार आपके अमवाल में खैर बरकत इनायत फरमाए और मुश्किलात हल फरमाए, दुनियावी और उखरवी हाजात को परवरदिगार पूरी फरमाए। और मोहम्मद आल मोहम्मद नारे सलाम। बराए खुशनूदी है खानदान जहरा बुलंद तर सलावा। माल भी ऐसी चीज है कि उसको अगर सही माने में इस्तेमाल किया जाए तो इंसान अपने इस माल से जन्नत खरीद सकता है। अकलमंद लोग वो हैं जो अपनी इस दौलत से जन्नत खरीद लें। आसानी है, बहुत बेहतरीन आसानी है, अक्ल का इस्तेमाल अगर सही माने में किया जाए। और कुछ ऐसे भी हैं कि जो माल के ज़रिए से इतना बहक जाते हैं, बाप को बाप नहीं समझा जाता, बुज़ुर्गों का एहतराम सब ख़त्म हो जाता है इसी माल की वजह से। ऐसा हुआ कि शजरे खबीसा का मालिक, शाम का रहने वाला, वो आया एक मर्तबा मदीने में, और मदीने में आने के बाद उसने ये बताने के लिए कि मैं सखावत कितनी कर रहा हूँ, उसने लोगों को मैं ऐलान कराया बाकायदा कि आ जाओ। आप समझ गए होंगे, नाम की ज़रूरत तो नहीं है ना। मैंने कहा कि ऐसे लोग, ऐसे नाम मैं मेंबर से लिया नहीं करता। दुश्मनान अहले बैत पहलाना। उसने अपने अफराद मुस्तकिल भेजने शुरू किए इमाम मुश्तबा के पास कि जल्दी बुला के लाओ। क्यों?
इसलिए कि नीयत खराब थी उसकी रोब डालने के लिए, दबदबा डालने के लिए कि मैं कितना माल तकसीम कर रहा हूँ। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जो है वो बुलवा रहा है बार बार और इमाम के आने में देर हुई और लोगों की कतारें लग रही हैं, लोग लेके जा रहे हैं। अब उसको तो बेचैनी बढ़ रही चूंकि जिनको दिखाना था वो आ नहीं रहे। अच्छा उसको ये नहीं पता कि वो जो कायनात को मुशाहिदा करता हो जिसके लिए माजी मुस्तकबिल हाल हो उसको सब कुछ पता है, ये किसका माल है, कहाँ से ला रहा है, कहाँ से लूट के लाया है, किसको बांट रहा है, सब पता है। खैर जब ज्यादा मजबूर किया तो इमाम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और उसने एक जुमला कहा। उसने कहा कि अच्छा अच्छा आप इसलिए देर में आए हैं ताकि खानदान बनी उमैया की तौहीन हो जाए और मेरे पास देने के लिए कुछ ना रहे आपको। सुनेंगे जुमला तो सही, मेरा नाम भी ये है, मैं फलां का बेटा हूं। अब ये तारीख है लिखने वाले मुसलमान, मैं भी फलां का बेटा हूं। अब तक सुबह से लेके अब तक जितना मैंने मुसलमानों को माल दिया है उसके दो बराबर मैं ये माल आपको दूंगा। और साहब वो चादरें फैला दी गई और वो अपने जोश में माल जो है वो दे रहा है। अच्छा तारीफ कर रहा है अपने एतबार से कि मैं जितना सुबह से मैंने अब तक दिया है मुसलमानों को उतना मैं उससे डबल आपको दूंगा। अच्छा दूसरा पहलू उठाइए, दुश्मन है मगर लफ्ज निकल रहा है खुद ब खुद कि जिस हिस्से में सारे दुनिया के मुसलमान हैं आले मोहम्मद का हिस्सा उससे डबल होता है। ठीक है, यानी अल्फजलो मा शहदत बहिल आदाओ, फजीलत वही है जो दुश्मन की जबान से निकले। ये लोग अपनी फजीलत बयान करने के लिए किस्से कहानियां इतने खड़े, इन लोगों ने तारीखें भरी पड़ी हैं मगर कभी नसीब में ना उनके आबा अजदाद को मिली ये चीज और कयामे कयामत तक ना नस्लों को मिलेगी। तवज्जो फरमा रहे, अब सुनिए, दौलत जमा हो गई सबकी सब और उसके बाद कहता है ये अपना रसूल अल्लाह फर्जंद रसूल ये सब दौलत जो है वो आपकी है आपके लिए। तो आपने कहा ठीक है, मसलहत ऐसी थी, हालात ऐसे, मासूम का कोई अमल मसलहत से खाली नहीं होता, हिकमत होती। आपने कहा ठीक है, आप बढ़ना चाहते थे आगे कि इतने में उसी मलून का एक नौकर गुलाम इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम की नालैन को जो उल्टी हो गई थी उसे सीधी कर दी उसने, समझ रहे हो, उसने आगे बढ़ के इस मलून का जो नौकर था वो आगे बढ़ा और इमाम मुज्तबा की नालैन को देखा कि वो सीधी नहीं है उल्टी है और इमाम जैसे ही आगे बढ़े के पहनना चाहे उस चप्पल को नालैन को उसने उसे सीधा कर दिया। बस जैसे उसने सीधा किया तो इमाम ने एक मरतबा कहा कि ये सारी दौलत तेरी। तवज्जो करेंगे आप, ये सारी दौलत तेरी है, तमाचा लगा ना जी। तू ये कह रहा था कि ये सारी दौलत हम बताना चाहते हैं फर्जंद रसूल की है, यानी तेरी नजर में जितना हक फर्जंद रसूल का है इतना तो हम दुश्मन के नौकर को जूती सीधी करने वाले को दे देते हैं। एक सलवात तो पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। यह है इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम मुज्तबा सुभान अल्लाह, और इन्हीं के फर्जंद अर्जुमंद हैं जनाब कासिम। बचपना है कमसिनी का आलम है इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम का, बादशाह रूम की तरफ से सवालात आते हैं और उसमें सवाल यह है कि हक़ो बातिल में फासला कितना, जमीन और आसमान में फासला कितना है, और ये बताइए कि वो 10 चीजें क्या हैं जो एक दूसरे से ज्यादा सख्त हैं। मौलाए कायनात मुस्कुराए, ये सवाल कर रहे हो तुम हमसे? इमाम मुज्तबा उधर से अंदर से गुजरे, बचपना तो जो है ना बचपना, उधर से गुजर रहे और एक मुर्तबा जैसे ही करीब आए बाप ने बेटे से कहा कि ये आया है कुछ सवाल करने के लिए, इसके सवाल सुन लो और जवाब दे दो,
अब अबू तुराब का हुक्म है कायनात के मुश्किल कुशा का अपने बेटे जवानाने जन्नत के सरदार के लिए। भाई सुन रहे हैं ना, है थके तो नहीं, सुनाऊं या अभी सलवात तो पढ़े मोहम्मद अली। जी तो कहता है कि इमाम मुस्तफा अलैहिस्सलाम के लिए जनाब अबू तुराब कायनात के मुश्किल कुशा ने कहा कि इसके सवाल सुन लो और जवाब दे दो। तो उसने उस नामे को चाक करके कुछ पढ़ने की कोशिश की, कह लें नहीं इसकी जरूरत नहीं है। इमाम मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसकी जरूरत नहीं है, तू मत पढ़, मैं पढ़ता हूँ, तू फिर चेक करके तेरे सवाल सही और फिर मैं जवाब देता हूँ, लिख। पछताना, यह है इस्मत, यह है वो सगीरोना व कबीरोना सवा, यह है वो अव्वलोना मोहम्मद व औसतोना मोहम्मद व आखरोना मोहम्मद व कुल्लोना मोहम्मद। ठीक है, अल्लाह अकबर। इमाम फरमाते हैं कि पहला सवाल यह है कि हक व बातिल में फासला कितना, याद रख लिख ले, चार उंगुल का फासला है। कान से सुनी हुई बात अक्सर बातिल हुआ करती है, आंख से देखी हुई बात अक्सर हक हुआ करती है। जमीन और आसमान में फासला कितना है, बस इतना फासला समझ, इन शॉर्ट कि मजलूम की जबान से जब लफ्ज आह निकलती है तो आसमान तक पहुंच जाती है। जवाब बुलाया फरमाते, इमाम फरमाते वो 10 चीजों का सवाल भी सुन ले और जाके अपने बादशाह को बयान कर देना कि अहले बैत तारीन के घराने का एक बच्चा, उसने ये जवाब दिया है। सबसे ज्यादा सख्त चीज है पत्थर और पत्थर से ज्यादा सख्त है लोहा जो उसे तोड़ देता है, और लोहे से ज्यादा सख्त आग है जो उसे पिघला देती है, और आग से ज्यादा सख्त वो पानी है जो उसे बुझा देता है, और पानी से ज्यादा सख्त वो अब्र है, बादल है जिसमें पानी समा जाता है, और अब्र से ज्यादा सख्त वो हवा है जो उसे घुमाए फिरती है, हवा से ज्यादा सख्त वो मलक फरिश्ता है जो उसे हुक्म देता है कि अब मशरिक में चल, अब मगरिब में, अब शुमाल में चल, अब जुनूब में, और उस मलक से ज्यादा सख्त मलकुल मौत है जो उसे छोड़ेगा नहीं, और मलकुल मौत से ज्यादा सख्त मौत है जो मौत मलकुल मौत को भी ना छोड़ेगी, और मौत से ज्यादा सख्त अम्र रब्बी है, अम्रुल्लाह है। अब खुलासा किया जाए, इमाम फरमाना चाहते हैं कि सब चीजों के ऊपर गालिब पत्थर है, पत्थर के ऊपर गालिब लोहा है जो उसे तोड़ देता है, लोहे के ऊपर गालिब आग है जो उसे पिघला देती है, आग के ऊपर गालिब वो पानी है जो उसे बुझा देता है, पानी से ज्यादा गालिब वो अब्र है जिसमें समा जाता है पानी, और वो उससे ज्यादा गालिब हवा है जो उसे घुमाए फिरती है, हवा पर गालिब वो मलक है, मलक पर गालिब वो मलकुल मौत है, मलकुल मौत पर गालिब मौत है, मौत पर गालिब अम्र है, हम उली अम्र है। जो मौत के ऊपर गालिब हो उसे गालिब कुल्ले गालिब अली इब्ने अबी तालिब कहा जाता है। यह है इमाम मुस्तफा। और जब वो वक्त आया, मैंने कल की मजलिस में गालिबन अर्ज किया था कि इमाम मुस्तफा के ऊपर जितने भी जुल्म सितम होने वाले हैं वो जुल्म सितम गदीर की वजह से हुए, विलायत की वजह से हुए। पैगंबर ने जब मौलाए कायनात की विलायत का ऐलान किया, ये सब चीजें सबब बनी, और इमाम मुस्तफा के साथ जो मजालिम हुए वो बहुत ज्यादा मजालिम है। सबसे बड़ा जुल्म जिंदगी का जुल्म तो अपनी जगह पर, मगर जहर देना और वो भी घर की बीवी से जहर दिलवाना, ये सब चाल थी। और अपनी साजिश के एतबार से दुश्मन समझ रहा था कि हम कामयाब हैं। उसके बाद जहर दगा से इमाम को शहीद करना और शहादत उज़्मा एक अपने मकाम पर, और अपनी लेकिन साथ साथ मजालिम सबसे बड़े ये हैं। मसाहब के लिए मैं समझता हूँ कि ये जुमले काफ़ी हैं, और हम उस रब्त की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका हमें आज मातम करना है, उस शहजादे कासिम का तस्करा करना है। अल्लाह अकबर। परवरदिगार आपको कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद। ये एक अजीब कैफियत है, एक अजीब मंजिल है। मैं आपसे एक सवाल करूं, रोने के लिए ही जुमला काफी होगा।
कोई तफसीली रिवायत नहीं पढ़ूंगा मैं आपके सामने, खत्म कर रहा हूं सहमत को। आपने कभी दुनिया में ऐसा देखा है कि किसी के घर मौत हुई हो, गुस्ल कफन नमाज जनाजा और जनाजा उठा के धूम से चले हो मोमिनीन, और कब्रिस्तान से जनाजा फिर वापस आ जाए घर में, कहीं आपने सुना? लेकिन जहरा के इस फर्जंद के जनाजे पर यही हुआ कि बहनों ने, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम ने भाई के ताबूत को रुखसत कर दिया, और बजाय इसके कि रोज़े नबी में दफन हो जाए, तीरों से छली जनाजा उस आलम में वापस आया। हाय कैसे माजाई बहन ज़ैनब ने ये मंजर देखा होगा, तड़प कर घश कर गई, हाथ जोड़ के अर्ज करें बीबी अभी एक भैया के जनाजे में 72 तीर देखे हैं, करबला में 72 लाशें देखना है, तैयारी करें। अल्लाह अकबर। आखिरी जुमले के वो मैं अर्ज कर दूं कि जो वसीयत का जुमला है जिसका हमें मातम करना है, 2 साल का या 3 साल का शहजादा कासिम, जो रिवायत के जुमले हैं कि एक मर्तबा इमाम मुंतजिर हैं और बुलाना चाहते हैं अपने फर्जंद को ताकि अपने फर्जंद के लिए कुछ कहें, इसलिए कि इमाम जब दुनिया से जाता है तो इमाम ही उसको गुस्ल देता है, इमाम ही कफन देता है, मासूम के हवाले होते हैं, राज सारे के सारे रमूज मुंतकिल किए जाते हैं। जब भैया के हवाले सब कुछ कर दिया तो अब इशारे से बुलाया बच्चे को और सीने पर बच्चा लेट गया, न जाने आखिरी वक्त में जनाबे कासिम से इमाम हसन ने क्या जुमले कहे किसी को नहीं पता। उसके बाद आखिरी वक्त है और उस आखिरी वक्त में एक तावीज की शक्ल में कासिम की मां को दिया, कहा मेरे लाल के बाजू पे ये तावीज बांध देना और जब इसे याद दिलाना कि जब कभी ऐसी मुसीबत पड़े जिसका हल ना हो उस वक्त ये तावीज खोल कर जो इसमें लिखा हो अमल कर लेना। ये तावीज की शक्ल में कासिम ने जिंदगी भर बांधा। अल्लाह अकबर। बाप गुजर गया, कासिम यतीम हो गए और अब वो मसला आया जब अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन इस मुख्तसर से काफले को लेकर करबला 2 मुहर्रम को पहुंच गए और 4 मुहर्रम से खेमे हटा दिए गए और अब 7 मुहर्रम में आप बैठे हैं अजीजो। आज आज की एक मखसूस आवाज है खयाम हुसैनी से, माशाल्लाह से आप लोग नजर के सिलसिले में घरों में खाने पानी किसी तरह की कोई रुकावट तो नहीं, ठंडा मौसम है, लेकिन जिसके लिए आप रोने के लिए आए हो 7वीं मुहर्रम से कम से बच्चे अल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही है, इसलिए कि पानी बंद नहीं हुआ, पानी खत्म हो गया 7 मुहर्रम को। अजर कुमल अल्लाह, रोए गिरिया करें, इसलिए कि आज वो तारीख है, भयानक तारीख जिसे 7वीं मुहर्रम कहा जाता है। शबे 7 लग गई है, अय्याम अज़ा के जिसका इंतजार साल भर करते हैं आप, आज आप देख लें कितने मुख्तसर से वक्त में आज शबे 7 में आ गए आप। खाली खाली कूजे और चारों तरफ से अल अतश की सदाएं बुलंद हो गई हैं, ये आवाजें हमारे कानों में टकरा रही हैं। लिहाजा जब पानी पिए ठंडा तो करबला वालों की इन प्यास को याद रखना, सकीना प्यासी है, असहर प्यासा है और न मोहम्मद प्यासे हैं, ये कासिम प्यासा है। अल्लाह अकबर। और वो सिलसिला और मरहला आगे बढ़ा, मैं मुख्तसर कर रहा हूं, 2 जुमले सुन ले। आशूर का वो हंगामा आया कि एक के बाद एक कुर्बान होने लगा, एक के बाद एक की लाश आने लगी, और रात का हंगामा ये था कि माँ के पास से उठकर हुसैन की खिदमत में आके ये बच्चा बैठ गया। रिवायत लिखी है कि जनाबे कासिम की उम्र मुबारक, कुछ लोगों ने 12 साल और कुछ ने 13 साल लिखी है, लिखने के लिए, कहने के लिए, बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, तो ये 13 साल शहजादा था।
मगर नाजो से इतना पला था, चूंकि बाप का साया उठ गया था, हुसैन ने इतनी मोहब्बत से पाला, इतने प्यार से पाला कि इतना प्यार ना अकबर को मिला, इतना प्यार ना उन्होंने मोहम्मद को मिला, जितना प्यार जनाबे कासिम को मिला। यतीम हसन को नाजो से पालने वाला हुसैन इब्ने अली। इस जुमलों को जरा कीमत समझिएगा, और जितना सोचेंगे आप उतना रोएंगे, मातम करेंगे, और जब मातम करेंगे तो आपको कैफियत में इसमें लुत्फ आएगा कि आज हम किसका मातम कर रहे हैं। नाजो से पला हुआ नाजनीन बदन, फूल सा बदन। आलम यह है कि उम्र कहने के लिए 13 साल है, मगर मां बेवा अपने हाथों से लुकमे खिलाती थी। बस इतना समझ लें। अल्लाह अकबर। रात का वो हंगामा आया तो एक मरतबा मां ने एक जुमला कहा, कासिम बेटा तुझे मालूम है ना, सुबह आशूर हर बीबी कुर्बानी देगी अपनी तरफ से। मैं सैदानी नहीं हूं, मैं गैर खानदान की हूं, मैंने तुझे दूध पिलाया, मुझे डर ये है कि कहीं दूध की तासीर गलत ना हो। अल्लाह अकबर, जरा मारफत के वो दर्जों को देखिए, कहीं मुझे डर है, मुझे खतरा है कि कहीं ऐसा ना हो कि दूध की तासीर का असर दूसरा हो, इसलिए बेटा मेरे लाल अपनी जान को कुर्बान कर देना, और इस बात का ख्याल रहे कि तुम अपने बाबा हसन की निशानी हो। ये बार बार मां सिखा रही है। जब दूध की तासीर का लफ्ज आया और कहा कि मैं अलग खानदान से हूं, तो जनाब कासिम बेचैन हो गए, और एक मर्तबा आके देखा तो चचा नमाज शब में मशगूल हैं, हुसैन के करीब आके बैठ गए। जैसे ही नमाज खत्म हुई, देखा कासिम मौजूद है। पूछा, बेटा मेरे लाल, इस वक्त रात को क्या वजह है? तुम्हें तो अपनी मां के पास होना चाहिए, यहां क्यों है? क्या बात है, क्यों रो रहे हो, आंखों में आंसू कैसे? का चचा, सिर्फ इतना बता दे कि लिस्ट में मेरा नाम भी है कि नहीं, पेरिस से शुदा में मेरा नाम है कि नहीं। हुसैन कहते, बेटा जाओ, सुबह मालूम हो जाएगा। का नहीं चचा, अब लफ्ज है तकब्बल यदय व रिजले, कभी पाओ के बोसे देने लगा कासिम, कभी हाथ को छू। शहादत के लिए शौक इतना बड़ा कि कभी हाथों को चूमता है, कभी पाओ को चूमता है। चचा चचा, आपको मेरे बाबा की कसम इतना बता दें कि फहरिस्त शहदा में मेरा नाम है कि नहीं। जब इतना इसरार किया, इतना इसरार किया, तो एक जुमला कहा, कासिम बेटा तेरा भैया असगर है ना, असगर, उसका नाम भी शोहदा की फहरिस्त में है। पर जैसे ही कहा, तो एक मरतबा कासिम जज्बात में खड़े हो गए, आवाज दी, यार मां चाचा, क्या दुश्मन खेमे में घुस आए? अजरकुम अल्लाह, अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के, क्या दुश्मन की ये मजाल के वो खेमे में चले आएंगे। अब हुसैन ने जो समझाया वो कासिम समझे, और उसके बाद एक सवाल किया, बड़ा अजीब सवाल किया, कासिम बेटा तुम्हें शौक है शहादत है? सिर्फ इतना एक सवाल का जवाब दे दो, तारीख इस्लाम आज तक कोई जवाब नहीं ला सकी। बड़ा अजीब जुमला है, या बुनैया इतना में मेरे लाल इतना बता दे, तेरे नजदीक जायका मौत क्या है? आज तक जिसने भी मौत का जायका बताया, सावर बताया, कड़वा कहा, इसलिए कि जायका मौत चखने के बाद कोई वापस आए तो जायका बताएगा ना, किसी ने नहीं बताया, कोई फलसफी, कोई मंतकी, कोई भी पढ़ा लिखा। लेकिन अहले बैत ताहरीन के घराने का ये शहजादा कासिम हुसैन के सामने एक जुमला कहता है, या अम्मा इंदी अहला मिनल असल, चचा मेरे नजदीक मौत का जायका शहद से ज्यादा शीरी है। आप समझ गए होंगे कि बच्चे को शहद पसंद था, हैं? शहद से ज्यादा शीरी है, बड़ा अजीब जुमला है। हुसैन मुंह चूम लेते हैं, पेशानी के बोसे देते हैं। वक्त वो आया, चचा मुझे इजाजत तो दे दें। उधर से अम्मा ने देखा, मां ने इशारा किया, करीब आया, आने के बाद कहा, चचा मैं कितनी बार कह चुका हूं मुझे इजाजत दे दो। कहा, बेटा नहीं हो सकता, तू मेरे भाई की निशानी हो, अपनी मां के लिए तुम सहारा हो। कहा, मां ने मुझे तैयार किया है, मां ही मुझे भेज रही है। चचा मना करते हैं, जब मना करते हैं तो एक मर्तबा बड़ा अजीब जुमला खेमे में गए और जाके कहते हैं, अम्मा ये जो लिबास मुझे पहनाया है ना,
اس لباس کو اتار دیں اور مجھے ایک بوسیدہ لباس, عرب کے فقیروں والا لباس مجھے پہنا دیں. کہا بیٹا یہ کیوں, کس لیے؟ کہا عرب کے فقیروں کا لباس مجھے پہنا دے, نجف کتنی دور ہے اتنا بتا دیں. کہا کس لیے؟ کہا میرا دادا علی ہے نا, میں وہاں جاؤں گا اور اسی فقیری لباس میں وہیں جا کے شکوہ کروں گا. اللہ اکبر. اب یہ جملہ سنا تو ایک مرتبہ بیوہ ماں اپنے لال کو لیا, زندگی میں کبھی حسین سے جس نے کلام نہ کیا ہو حیا اتنی پابند, مگر اپنے لال کو لے کر ایک مرتبہ آتی ہیں, آنے کے بعد کہتی ہیں میں کنیز ہوں اس طرح کی, میں قاسم کی ماں, آپ سے سائل بن کے ایک چھولی لے کے خالی سوال کرنے کے لیے آئی ہوں. پوچھا کون؟ میں قاسم کی ماں. آپ کہتے بھابھی آ. کہا اگر حسن زندہ ہوتے تو میں کبھی نہ آتی, مگر اس بیوہ کی جھولی میں اس بچے کے عزم ڈال دیجئے, اجازت دے دیجئے. اب ادھر سے بھی فرمائش, ادھر سے روتے روتے قاسم کہتے ہیں اماں یہ تعویذ. اب جو تعویذ جو یاد آیا, تعویذ کو کھولا اور تعویذ کھولتے اس میں لکھا تھا میرے لال قاسم میں تو نہیں ہوں گا لیکن کربلا میں جب میرا بھائی حسین نرغیادہ میں گر جائے تو اپنی جان کو دریغ نہ کرنا بلکہ قربان ہو جانا. بس اتنا دیکھتے ہی جناب قاسم یا تو ابھی تک رو رہے تھے, آنسو ٹپک رہے تھے, ایک مرتبہ مسکرائے, مسکرانے کے بعد اس نامے کو لیا. چچا ذرا سا یہ تو لے, دیکھیے تو صحیح کیا لکھا ہے, یہ تعویذ میرے بازو پہ بچپن سے بندھا ہے, آپ کے بھائی نے تعویذ دیا ہے. بس جیسے ہی تحریر حسن کو دیکھا, تصویر حسن سامنے آ گئی, اور اس کے بعد ایک مرتبہ کہا قاسم بیٹا یہ تحریر حسن لے کر نہیں آئے بلکہ شہادت نامہ دے گئے. اور ایک مرتبہ آپ تیار کرتے ہیں, قاسم کی ماں کہتی ہے مولا میں نے امامے کو سنبھال کر رکھا, امامے کو اپنے دست مبارک سے باندھ دیجئے. حسین امامے کو باندھتے, لباس پہناتے, ایک طرف سے عباس تیار کرتے ہیں, ایک طرف سے حسین تیار کرتے ہیں, ایک طرف سے زینب آگے بڑھتی ہے, ایک طرف سے ام کلثوم آگے بڑھتی ہے, شہزادے کو اچھی طرح تیار کر دیا کربلا کے لیے, آخری جملہ. اور اس کے بعد آپ تابوت کی زیارت کریں گے اور ماتم کریں گے. اللہ اکبر, بڑی دعائیں مقبول ہوتی ہیں. شہزادے سے توسل کر کے دیکھیں آپ, یہ قاسم شہزادہ جو معجز نما ہے, قسم خدا کی معجز نما ہے, تیار ہوتا ہے کربلا کے لیے, مقتل میں جانے کے لیے. سب کو الوداع کیا مگر مقتل نے ایک جملہ لکھا ہے. راوی لکھتا ہے کہ حسین کے اوپر جو کیفیت, کسی کو رخصت کرتے وقت ایسی کیفیت نہیں تھی, مگر جب قاسم کو رخصت کر رہے تھے, اور وہ بھی رخصت کرنے کا بڑا کمال ہے, جو بچہ 12-13 سال کا ہو وہ خود تو سوار ہو سکتا ہے نا, مگر حسین نے خود گودی میں لے کے سوار کیا. اللہ اکبر, گودی میں لے کے سوار کیا, اور سوار کرنے کے بعد ایک مرتبہ کہتے اے میرے بھیا حسن کی نشانی, جب تک سامنے رہے اپنا چہرہ دکھاتے رہنا تاکہ میں بھائی کی زیارت کرتا رہوں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. لیجئے رخصت ہو کے قاسم چلے, اور اس کے بعد اب جو حملے شروع ہوئے وہ تاریخ آپ کے سامنے ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ عجیب مرحلہ جو آیا ہے وہ یہ ہے, حسین در خیمہ پر موجود ہیں, بعض روایتوں میں کرسی پر موجود ہیں, در خیمہ پر ثانیہ زہرہ جناب زینب موجود ہیں, اور اندر جناب قاسم کی ماں مصلی پر موجود ہیں. قاسم کی ماں کی نظریں جناب زینب کے چہرے پر ہیں, جناب زینب کی نظریں حسین کے چہرے پر ہیں, حسین منظر کشی دیکھ رہے ہیں, جناب قاسم کی جنگ کو مشاہدہ کر رہے ہیں اور اپنے بھائی کی نشانی کا مشاہدہ کر رہے ہیں. اتنے میں وہ مرحلہ بھی سامنے آیا کہ ایک مرتبہ ارزق شامی ملعون وہ آگے بڑھا, جو ایک ایک ہزار کے سواروں کو مقابلہ کرتا تھا وہ آگے بڑھا, اور اس نے بڑھنے کے بعد رجس پڑھا, حملہ کرنا چاہا, لیکن ایک مرتبہ جب عمر سعد ملعون نے یہ جملہ کہا کہ تو اس کا مقابلہ کر, تو ارزق نے کہا کہ یہ میری توہین اور انسلٹ ہے کہ ایک بچے کے مقابلے میں میں جاؤں, میری ہسٹری اور تاریخ یہ ہے کہ 1000 سواروں کا مقابلہ میں کرتا ہوں, یہ ایک بچے کے مقابلے میں مجھے بھیجا جا رہا ہے, اس میں میرے 4 بیٹے ہیں, ایک بیٹا کافی ہے. اس نے ایک بیٹے کو بھیجا, قاسم نے بجلی کی طرح وار کیا, واصل جہنم کیا. دوسرا بیٹا آیا,
वो भी फिन्नार किया। तीसरा बेटा आया वो भी फिन्नार किया। चौथा बेटा आया वो भी फिन्नार किया। और वक्त जब सामने आया तो एक मरतबा हुसैन ने बड़ा अजीब जुमला किया, दुआ के लिए हाथ बुलंद किए, आवाज दी, माँ की दुआ बेटे के हक में बहुत जल्द पूरी होती है। बड़ा मुकाबला है कासिम का, मेरा कासिम भूखा है, मेरा कासिम प्यासा है, मेरा कासिम तशना है, फूल सा बच्चा है, जरा दुआ करो। अब्बास करीब में खड़े हुए हैं, मौला माफ कीजिएगा, मैंने सिखाए हैं फनून, अर्जक क्या चीज है, अगर पूरी फौजें भी सामने आ जाए और इसी तरह मुकाबला होता रहे तो अकेला कासिम काफी है। अल्लाह अकबर। अब जो वार किया तो अर्जक के टुकड़े कर दिए कासिम ने। और थोड़ी देर गुजरी, अब रिवायत का बड़ा अजीब जुमला है कि जैसे ही हमला करते करते आगे बढ़े और बढ़ते बढ़ते दुश्मन को जब ये महसूस हो गया कि हमारे खयाम पे भी कब्जा हो जाएगा, फुरात पे भी कब्जा हो जाएगा, तो जालिम ने एक मरतबा ऊपर से अभी वही शरारत शुरू की जो तमाम के साथ थी कि एक मरतबा आवाज दी, ये बनी हाशिम है, एक एक हमला करेगा तो कोई ना बचेगा, सब मिलके एक साथ हमला करो। लीजिए सारी फौजें एक साथ इकट्ठा हुई, किसी ने पत्थर, किसी ने तीर, और एक जालिम ने तो गजब कर दिया कि पुश्ते मुबारक पर जनाबे कासिम की नेजा मारा, और ऐसे नेजा मारा कि वो सीने की जानिब डर आया। अल्लाह अकबर। एक तीर आकर लगा, कासिम से संभला न गया। मैंने जुमला अर्ज किया, इसकी गुजारिश कर रहा हूं बार बार, इसकी कीमत समझिएगा, जब जब याद कीजिएगा रोइएगा वो जुमला। मैंने कहा है कि 12 या 13 साल का बच्चा, मगर आलम यह है कि इतना नाजों से पला है कि अब जब घोड़े से गिरना चाहता है ना, चाचा को नहीं पुकारा, आवाज दी, अम्मा मैं गिर गया। अजरकुमल्लाह। अल्लाह को कोई गम ना सिवाएगा महले बैत के। अरे उधर से एक आवाज आई, हुसैन कुर्सी पे गिरे, ज़ैनब दरे खेमा पे गिरी, मां सजदे में गिरी, और हुसैन एक मर्तबा आगे आए। बड़ा अजीब जुमला इमाम ज़माना ने ज़ियारत नहिया में जुमला कहा है, मेरा सलाम हो उस शहीद पर के जिसकी दाहिनी जानिब की पसलियां टूट कर बाई जानिब मुंतकिल हो गई, और बाई जानिब की पसलियां दाहिनी जानिब क्यों, इसलिए कि जब बिखरे हुए शेर की मानिंद हुसैन को जाते हुए देखा कासिम की मदद करने के लिए, उस आवाज पर कि या मादरिक ली, या मादरिक ली, इस जुमले के साथ जब हुसैन पढ़ना चाहते थे और जालिमों ने देखा तो एक मरतबा भागना शुरू किया, घोड़े जब दौड़ने शुरू हुए, इमाम ने सबसे पहला कातिले कासिम पर हमला किया, इधर कातिले कासिम पे हमला शुरू हुआ, उधर घोड़े दौड़ने शुरू हुए, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर, दरमियान में नाजों से पला हुआ कासिम, लाश मुबारक, अरे जिंदगी में पायमाल हो गई। हुसैन ने लाशा उठाना चाहा, अब आके जमीन पर फैलाया, अब आके दामन में टुकड़ों को जमा किया, खेमे की तरफ लाए, आवाज दी, कासिम की माँ तुम्हें बड़ी फिक्र थी मेरे लाल की कुर्बानी कबूल होगी के नहीं, ये देखो कासिम कठड़ी में मौजूद है, सबसे ज्यादा तेरे बच्चे की लाश कुर्बानी कबूल हुई, वाह कासिमा वाह अलिया, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, सयालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यमुन क़ल्बिन यन्क़लिबून। मातम हुसैन।